मैंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हल्द्वानी जेल अधीक्षक से ये पूछा कि आपके वहाँ कितने कैदी हैं और क्षमता से अधिक कितने कैदी रहते हैं और प्रत्येक कैदी के ऊपर कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। तो उन्होंने ये दिखाया कि 50 रुपये पर कैदी है और कैदी कम से कम यहाँ पर 300 है और 1100 से ऊपर कैदियों को यहाँ रखा गया है, जबकि सरकार को जो है जल्द से जल्द न्यायालय में इन मामलों को निपटाना चाहिए और इस तरह का जो है खर्चा हो रहा है यहाँ पर खाना खाने लंच डिनर और उसके बाद औषधि और अन्य खर्चों पर 7.5 करोड़ रुपए पिछले 5 साल से अब तक किए गए। इस तरह कैदी के ऊपर इतना पैसा खर्च करना एक गलत बात है और इससे सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इन कैदियों को जो है न्यायालय से आदेश लेकर छोड़ना चाहिए और गरीब प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर जो है इस तरह की घोर लापरवाही हो रही है और जिससे सूचना अधिकार अधिनियम में मैंने यह खुलासा किया। एक्चुअली में ये दो जनपदों की जेल है, उधम सिंह नगर और नैनीताल की, और अधिकांश बंदी यहाँ जो है उधम सिंह नगर के यहाँ निरुद्ध हैं। मानक से अधिक बंदी जरूर हैं लेकिन हमने सबको जितने भी हैं व्यवस्थित तरीके से रखा गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने काफ़ी यहाँ बढ़ाया है ताकि वो जो है सही तरीके से रह सके। आधुनिक हथियारों के लिए हमने अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो आईजी महोदय को भेजी है और उनके द्वारा इसमें सकारात्मक पहले की जा रही है। सीसीटीवी का प्रस्ताव भी लगाने का प्रस्ताव भी आईजी महोदय के स्तर पर विचाराधीन है। हाँ, ये भोजन पर व्यय आता है पर ईयर का है, 5 साल का जो है जो आज आ गया है वो 5 साल का खर्चा दिया गया है।